हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता की पाकशाला। बच्चों व बड़ों की मनपसंद दो मिनट वाली मैगी को आज मैं एक नया रूप देने जा रही हूँ। इसमें मैगी और पिज्जा का कॉम्बो है। इसको मिनी मैगी पिज्जा के नाम से जाना जाता है, जिसे आप ब्रेकफास्ट में या पार्टी स्टार्टर के रूप में शामिल कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनी मैगी पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैगी बनाएंगे, जो दो मिनट में बनके तैयार हो जाती है बच्चों की मनपसंद। तो यहाँ पर हमने एक पैन चढ़ाया और एक ग्लास पानी और दो पैकेट्स को हमने डाला। बच्चों को बहुत ही पसंद आता है मैगी, यूं ही वो खा लेते हैं। और अब उसमें जो सैशे रहता है मसालों का, उसको डाला। आप ये टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों सैशे डाल दिए और अब लग रहा है कि कुछ पानी कम है, तो यहाँ पे हमने आधा ग्लास और पानी डाला और उसको कवर कर दिया। और जो फ्लेम है वो हमारी मीडियम रहेगी। और दो मिनट के बाद देखा कितनी फर्स्ट क्लास ये मैगी बनके रेडी हो गई है, बच्चों की मनपसंद। तो वाओ, ये मैगी तो यूं ही खा सकते हैं, लेकिन आज इसको कुछ अलग ट्विस्ट देने के लिए यहाँ पर हमने अपे स्टैंड लिया और उसको ग्रीस कर लिया ऑयल से या घी से। और अब इसमें थोड़ी थोड़ी जो मैगी बनी थी ना, उसको चम्मच से लिया और सारे जो अप्पे के सांचे हैं उसमें डाला। तो इसको पिज़्ज़ा का रूप बनाना है, तो यहाँ पर पहले हमने इसका बेस मैगी का बनाया। तो सारे सांचों में हम धीरे धीरे करके फिल कर देंगे और इसको एक चम्मच की मदद से थोड़ा सा दबाएंगे, ताकि जो भी ऊपर से वेजिटेबल्स डालना है। अब यहाँ पे हमने कैरेट को बारीक काट के डाला, तो और हम शिमला मिर्च है उसको भी हमने यहाँ बारीक काट के ऊपर से डाला। आप अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स जो इस समय जाड़ों में आ रही हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि ग्रीन अनियन और कैबेज। और यहाँ पर अब एक मीडियम साइज हमने टोमेटो बारीक काट के डाला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रेडियंट्स चीज़। चीज़ आप कोई भी तरीके का ले सकते हैं, चीज़ क्यूब्स या मोजरेला चीज़। चीज़ के बिना पिज़्ज़ा एकदम अधूरा है। और अब भी जितना भी आप चीज़ डालेंगे, उतना ही आपका ये जो पिज़्ज़ा है वो डिलीशियस बनेगा। और अब थोड़ा सा काली मिर्च को डालेंगे और ये पिज़्ज़ा सीजनिंग, इससे तो जो पिज़्ज़ा है वो और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। अब उसको कवर करके रख दिया हमने दो मिनट के लिए। और यहाँ पर देखा अभी थोड़ा सा और हमें कवर करना है, तो हमने फिर से एक मिनट के लिए कवर किया। और अब बारी आती प्लेटिंग की। यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो सॉस है उसको सर्कल शेप दिया और ये फोर्क की मदद से थोड़ी सी डिज़ाइन की। तो अब यहाँ पे जो मिनी मैगी हमने पिज़्ज़ा बनाया था उसको प्लेट में रखा और सर्व किया। तो बच्चों की पार्टी में आप आज ही इसको बनाइएगा और देखिएगा कितनी भाग दौड़ होगी इसको खाने में। तो बच्चों का मनपसंद मैगी, तो मैगी मिनी मैगी जो पिज़्ज़ा है ना, इसको सब पसंद करेंगे जब आप अपने इसको पार्टी स्टार्टर में शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक तो बनता है ना, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और मेरा अगला वीडियो आने तक आप अपना ख्याल जरूर रखिए। Enjoy! Bye-bye!